नमस्कार मित्रों, मैं भावेश पनपालिया आपका इस लुशु ग्रिड में स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस लुशु ग्रिड के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे कि आपके ड्राइवर नंबर से यानी मूलांक नंबर से आपके कार्यक्षेत्र का चुनाव आप कैसे कर सकते। इसे आसान भाषा में हम लोग कहेंगे कि अगर आपका किस कार्य क्षेत्र को चुना करना है कि कहाँ पे आपको काम करना होगा, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में आप काम करना करोगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा, तो उस मूलांक के भरोसे पे हम लोग कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का मूलांक, हमने देखा था मूलांक कैसे निकालते हैं, ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं। अगर हम सिर्फ आप हमारे खुद की डेट ऑफ बर्थ, ओनली डेट, मंथ नहीं चाहिए और ईयर नहीं चाहिए, इनकी अगर टोटल सिंगल नंबर कर ले तो वो हमारा हो गया मूलांक। ठीक है, उस ड्राइवर नंबर पे, उस मूलांक नंबर से हम कार्यक्षेत्र का चुनाव करेंगे। जैसे किसी का अगर ड्राइवर नंबर 1 आता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, ज्वेलरी से रिलेटेड या ज्वेलरी का शॉप खुद डाल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है या बिल्डिंग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के भी काम कर सकता है। मैं यहाँ पे हर अंक का क्षेत्र के जो चुनाव किए मैंने काफ़ी कम किए, काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप आपके ड्राइवर रिलेटेड नंबर से कार्य क्षेत्र का चुनाव कैसे करोगे। 2 नंबर, ये ऑयल रिलेटेड वर्क होगा, कोई शुगर मिल्स डालना चाहता है, कोई फूड ग्रेन का करना चाहता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस, कोई पेपर एजेंट, फिल्म एडिटिंग इत्यादि। अगर जिसका मूलांक 2 आता है, ड्राइवर नंबर 2 आता है, तो इस फील्ड का वो अगर इस क्षेत्र में अगर वो काम करे तो उन्नति थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। 3 नंबर के तरफ आते हैं, अगर किसी का मूलांक 3 होगा तो वो रेस्टोरेंट होटल डाल सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। क्यों? क्यों 3 नंबर ये जो है ये गुरु का है और गुरु हमेशा टीचर होता है, प्रोफेसर होता है। तो इस रिलेटेड अगर आप कोई क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आपके लिए लाभदायी, फलदायी सिद्ध होगा। लीगल एडवाइज़र, जज, ब्रोकर, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में आप काम कर सकते हो। जैसे किसी का मूलांक अगर 4 आता है तो ऑयल, केरोसिन, परफ्यूम, इसेंस, सेंट, रेल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, लेबर, मोटर ड्राइवर, जर्नलिस्ट, क्लार्क एक्सेट्रा, इन क्षेत्रों का वो चुनाव कर सकता है। 5 नंबर, 5 नंबर आप एस्ट्रोलॉजी, जिसका मूलांक 5 होगा वो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, जिसे हम लोग कहेंगे गुप्त नैनी हो सकता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बेच सकता है, इसीलिए सेल्समैन बन सकता है, पोस्ट ऑफिस में काम कर सकता है, इंश्योरेंस में भी काम कर सकता है, ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट में, उसका काम कर सकता है। अगर किसी को रुचि होगी पॉलिटिकल वर्क में तो ये लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कोई लाइब्रेरियन बनना चाहता है, हिस्ट्री रिसर्च करना चाहता है। मूलतः 5 ये बुध है और बुध ये बुद्धि का कारक होता है, लेन देन का कारक होता है, तो इसी वजह से जिसके वाणी में मिठास है और जिसका मूल्यांक 5 हो
और लुसियो ग्रिड में पांच अंक ये बैलेंस अंक माना गया है, सबसे बहुत ही बढ़िया अंक इसे कहेंगे हम लोग। तो अगर जिसका पांच मूलांक है वो इस कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए छह नंबर पे आते हैं, जिसे कोई भी ब्यूटी पार्लर खोल सकता है, होटल, ढाबा, क्राफ्टमैन, डिज़ाइनर, स्टोरी राइटर, गार्डनिंग, गारमेंट बिजनेस कर सकता है। आगे बढ़ते हुए सात नंबर पे एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, एयर सर्विसेज, टूरिज्म, ड्राइवर जॉब, क्लार्क, एडिटिंग, बिजनेस ऑफ अंडरगारमेंट रिलेटेड। तो शुक्र के वजह से, सॉरी केतु के वजह से ये सब चीज़ें आपको संभव कर सकता है। आगे बढ़ते हुए आठ नंबर शनि देवता के पास, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप बहुत आगे जा सकते हो, मिलिट्री डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, टी शीट्स रिलेटेड वर्क, लीगल प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिफिक वर्क, पोल्ट्री फार्मिंग इत्यादि आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए नौ नंबर पे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एस्ट्रोलॉजी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, अगेन आर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर वर्क रिलेटेड बिजनेस है, फटाकों का काम है, या कोई भी फायर वर्क रिलेटेड बिजनेस है, लीगल प्रैक्टिस है, मेडिकल शॉप है, आयरन एंड अदर मेटल रिलेटेड वर्क है, तो नौ नंबर जिनका भी मूलांक आएगा वो इस कार्य क्षेत्र का चुनाव अगर करते हैं या फिर इसी कार्य क्षेत्र में अगर वो काम कर रहे होंगे तो आपको सफलता तय है। मैं भावेश पंतालिया आज यही पे ड्राइवर नंबर से आप कार्य क्षेत्र का चुनाव कैसे करेंगे समाप्त करता हूँ। आपको अगर कुछ भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हम तक पहुँचा सकते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय जाए यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।